नमस्कार दोस्तों, अरेलीवुड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहली बार आए हैं चैनल पे, वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल कलर से, रेड कलर से, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आप लोगों का बहुत बड़ा डिमांड था, बहुत ही ज़्यादा डिमांड था जो पेटीएम मोरिटोरियम को लेके, ठीक है, क्या पेटीएम मोरिटोरियम फैसिलिटी दे रही है या नहीं दे रही है। और जैसा कि आपको मालूम होगा, पेटीएम पोस्टपेड और पेटीएम पे आप कोई भी ऑर्डर करते हैं तो उसमें यदि आप ईएमआई बनाना चाहते हैं और आपको पेटीएम ने दे रखा है पेटीएम पोस्टपेड की फैसिलिटी, क्योंकि ये फैसिलिटी हर किसी को नहीं है, ठीक है। यदि आपकी सिविल अच्छी होगी तो आपको पेटीएम वाला दे सकता है। तो क्या पेटीएम मोरिटोरियम अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे पेटीएम का जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो हम बताएंगे। और इसमें वीडियो जा सकता है 8 से 10 मिनट का तक जा सकता है, लेकिन आपको 100% एक्यूरेट, 100% ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और आप सोचोगे ये थोड़ी ही देर में हो जाए, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आपको 8 से 10 मिनट तक लग सकता है इस वीडियो में टाइम, लेकिन हम आपको समझा देंगे ऐसा जो आपको दोबारा दूसरी जगह कहीं भी किसी चैनल पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके सही जानकारी इकट्ठा करके लाते हैं और हम आपको आपकी भाषा में समझाते हैं ताकि आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो सके। दोस्तों तो अर्लीवुड पे ट्रस्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सब्सक्राइब कर लेना यहाँ से और अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर देना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अर्लीवुड ही एक ऐसा चैनल है जो आपको 100% ऑनेस्ट, 100% ह्यूमन रिकॉर्डेड वॉइस, 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ आने वाले टाइम पे आप लोगों के लिए हम लोग जॉब ऑफर भी लेके आ रहे हैं, घर से आप काम करना चाहें कर सकते हैं आप। चलो ये देखिए, पेटीएम सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आप देखो, प्रूफ के साथ हम दिखाते हैं। गूगल पे आपको सर्च करना है क्या, पेटीएम मोरिटोरियम, ठीक है। जब पेटीएम मोरिटोरियम सर्च करेंगे तो आपको पहला दिखेगा पेटीएम मनी, क्योंकि आपको मालूम है पेटीएम की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो पेटीएम मनी से, मनी के जो है पेटीएम मनी उसके थ्रू ये उसके थ्रू ये रन होता है, ठीक है। मीन्स ये पेटीएम मनी कंपनी है पेटीएम का ही। तो अब हम करेंगे इस पर क्लिक करेंगे, तो पेटीएम मनी पे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे इस पर पेटीएम मनी, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये देखो पेटीएम मनी लिमिटेड, यानी ये कंपनी है पेटीएम मनी लिमिटेड और ये पेटीएम के अंडर ही कंपनी है, पेटीएम का ही सब्सिडरी कंपनी है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, जब आप इसको ओपन करेंगे पेटीएम मोरिटोरियम को, तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा ये Should you postpone your EMI? क्योंकि आपने EMI से कोई भी प्रोडक्ट या ऑर्डर किया होगा पेटीएम पे, तो आपको ये COVID-19 RBI रेगुलेटरी पैकेज है जिसको हम EMI deferment भी बोलते हैं, 3 months moratorium भी बोलते हैं, तो यही है, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ मोरिटोरियम ये बताया गया, तो हमने आपको अपने अर्लीवुड चैनल पे आपको पहले ही बता दिया मोरिटोरियम क्या है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बताया गया है इनका जो आपको यदि मोरिटोरियम लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा कैलकुलेशन दिखाया गया है, यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, सारा कुछ ज़्यादा पे करना पड़ेगा। शुड यू अवेल, आपको अवेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखो आप एक चीज़ याद रखना, यदि पैसे की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है और आप पे करने के हालात में नहीं है तो ही लेना इसको, नहीं तो अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा और आपके सर पे भारी पड़ सकता है, बोझ हो जाएगा ये, ठीक है, और इन फ्यूचर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है, एज पर RBI सर्कुलर और नोटिफिकेशन, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक डिस्क्रिशन, यहाँ पे समझ में आ रही है, बैंक्स डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मीनिंग आपको नहीं समझ में आता होगा तो आप समझ लेना, गूगल पे सर्च कर लेना या आप डिक्शनरी पढ़ लेना। बैंक डिस्क्रिशन का मतलब ये होता है, ये बैंक के ऊपर डिस्क्रिशन, बैंक के ऊपर डिपेंड है आपको देगा या नहीं देगा, और बैंक तो ही देगा आपको यदि आपका बैंक के साथ रिलेशनशिप अच्छा है और आपने कोई भी ईमानदारी से आप सारे EMI टाइम टेबल पे किया हुआ हो तो, ठीक है। अब इसी में हम आपको आगे बताते हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात आ गई साफ, अब पेटीएम मनी की जो सर्विसेज है, ठीक है, क्रेडिट सर्विस बोले तो पेटीएम मनी की जो बैकबोन है, बैकएंड से जो इनकी क्रेडिट सर्विस है ये लेती है पेटीएम किन से, ये आउटसोर्स करती है क्लिक्स फाइनेंस से, ठीक है ना दोस्तों, ये क्लिक्स फाइनेंस, ये देखिए क्लिक्स कैपिटल एक कंपनी है, क्रेडिट कंपनी है जो लोन और लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन सब प्रोवाइड करती है,
इनके थ्रू ये पेटीएम पोस्टपेड ऑफर करता है दोस्तों। पेटीएम पोस्टपेड इससे किधर से ऑपरेट होता है, क्लिक्स कैपिटल के थ्रू, ठीक है। और क्लिक्स कैपिटल एक लोन मॉर्गेज कंपनी है। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, एक तो पेटीएम मेन ब्रांड्स क्या हो गया, पेटीएम हो गया, पेटीएम के अंडर क्या हो गया, पेटीएम पोस्टपेड हो गया। और पेटीएम पोस्टपेड किधर से चलती है, पेटीएम मनी से चलती है। और पेटीएम मनी की जो क्रेडिट सर्विस है और ईएमआई वाली सर्विस है वो कौन मैनेज करता है, वो चलता है क्लिक्स फाइनेंस से, क्लिक्स कैपिटल से, ठीक है। और क्लिक्स कैपिटल का यदि अब पेटी मॉरिटोरियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेटीएम मॉरिटोरियम के लिए, तो दोस्तों आपको उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लिक्स वाले से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब क्लिक्स को आपको देखना, जो क्लिक्स कैपिटल जो है क्या ये मॉरिटोरियम फैसिलिटी दे रही है नहीं दे रही है दोस्तों, बिल्कुल। तो अब आपको उसके लिए सर्च कर सकते हैं आप गूगल पे भी, ठीक है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं क्लिक्स मॉरिटोरियम, ठीक है। चलो हम यहाँ पे करके बताते हैं, CLIX क्लिक्स कैपिटल मॉरिटोरियम, ठीक है, क्लिक्स कैपिटल मॉरिटोरियम, ऐसे ये वाली पे आपको ओपन कर लेना है मॉरिटोरियम क्लिक्स कैपिटल। जब आप ओपन करेंगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा FAQ। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इस वाले पेज पे आपको आ जाना है, इसमें देखना है आपको मॉरिटोरियम का मीनिंग बताया है, ये टाइम पीरियड दिया है, RBI ये सब सुडाई ऑफ ये सब बताया गया है, MI इंटरेस्टेड ये बताया गया, यदि आप पे कर इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, मॉरिटोरियम पे एक्स्ट्रा मींस ये समझ लो जो ये ऑफर कर रही है ये, ठीक है ना। तो आपको क्लिक्स फाइनेंस मॉरिटोरियम फैसिलिटी ऑफर कर रही है, क्लिक्स कैपिटल जो है मॉरिटोरियम अपने कस्टमर को दे रही है, ठीक है। अब ये देखने अब आपको अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना है तो आपको ये क्लिक्स डॉट कैपिटल इस वाले पे आपको ओपन करना है, क्लिक्स डॉट कैपिटल ये वेबसाइट है, www.clicks.capital वेबसाइट है, इसको आपको कर लेना है ओपन। देखो हम आपके सामने में ओपन कर देते हैं लाइव, ठीक है ना, ये ओपन हो गया। अब देखो अब जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा होम पेज पे ही अप्लाई फॉर मॉरिटोरियम ऑन योर लोन, ठीक है, आपको कर देना है इस पर क्लिक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये वाली ओपन हो जाएगी मॉरिटोरियम डॉट क्लिक्स डॉट कैपिटल। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मांगा प्लीज़ एंटर योर डिटेल। अब देखो अप्लाई फॉर मॉरिटोरियम यहाँ पे डिटेल में क्या डालना है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालना है, और इसके बाद वेरीफाई कर देना है, और वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ से प्रोसेस करते जाना, जो जो आपसे ये डिमांड करेगा, जो जो यहाँ पे डिटेल एंटर करने के लिए बोलेगा आप वो एंटर करना, और जितने का आपका ईएमआई चल रहा होगा, जितने का लोन ले रखा होगा, लोन डिटेल ईएमआई डिटेल वो सारा कुछ आपका यहाँ से प्रोसेस हो जाएगा। तो समझ रहे हो बात। और दोस्तों यदि आप उनके बाद आपके पास सक्सेसफुली अप्लाई होने पे बैंक क्लिक्स कैपिटल की तरफ से मैसेज या ईमेल आ जाएगा जो आपका रिक्वेस्ट मॉरिटोरियम के लिए हमने रजिस्टर कर लिया है, आपको मॉरिटोरियम बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको समझाया इस वीडियो में जो पेटीएम, ठीक है ना, पेटीएम मनी, पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम ईएमआई से थ्रू कुछ भी आपने लिया है तो उसका मॉरिटोरियम आप किस तरह से अवेल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं जो आपको ये जानकारी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और तो आप यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जिनको भी जानकारी नहीं है पेटीएम मनी किस तरह से वो अप्लाई कर सकता है मॉरिटोरियम के लिए, तो उनको सही जानकारी मिल सके दोस्तों। तो यानी सबसे बड़ा समाधान क्या है, आपको बस थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, और गूगल बाबा है ही तो आपको गूगल पे काम आ जाएगा। लेकिन बहुत सारी जानकारी को सही लोगों को सही जानकारी नहीं, सही स्टेप नहीं मालूम होता है, यदि कोई क्या करेगा इस पर क्लिक करने के बदले वो किसी और जगह पर कर देगा तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगा। सही वेबसाइट तो आपको जानकारी हो, सही वेबसाइट कौन सी है और सही स्टेप प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको कंप्लीट एनालिसिस करके बताया पेटीएम, पेटीएम ईएमआई, पेटीएम मॉरिटोरियम के बारे में, और क्लिक्स वाले क्लिक्स मॉरिटोरियम जो है ये उसी का पार्ट है, क्योंकि पेटीएम मॉरिटोरियम यानी क्रेडिट फैसिलिटी जो है पेटीएम की वो क्लिक्स के थ्रू मैनेज होती है, क्लिक्स प्रोवाइड करती है पेटीएम को, ठीक है, लोन वाली फैसिलिटी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो यदि पसंद आया तो यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, आने वाले टाइम पे आपको हमारे चैनल पे जॉब ऑफ़र, ठीक है, पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब किस तरह से आप कर सकते हैं,
और क्या प्रोसीजर रहेगा, आपके पास मोबाइल है या इंटरनेट है, आप काम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये जो अर्लीवुड की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना, ये सभी ऑफिशियल वेबसाइट है अर्लीवुड की, तो आप इन वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और आने वाले टाइम पे आपको यदि अभी से विजिट करेंगे थोड़े बहुत जानकारी होगा अर्लीवुड के बारे में, तो आपको आसानी होगी आगे समझने में और आगे काम करने में। दोस्तों अभी मॉरिटोरियम का टाइम चल रहा है, पीरियड चल रहा है, टाइम ख़राब चल रही है, तो आपको मॉरिटोरियम एक अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, जो अभी जब आपको जब बिल पे करोगे, जब कार्ड का लोन का, तो उस टाइम पे आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, काम करोगे तभी तो। अब आपको देखना है जो ये जो मॉरिटोरियम पीरियड आपको लोगों को दिया जा रहा है बैंकों की तरफ से, तो इनका इस्तेमाल करने के लिए सीखो, इसमें आप कुछ काम धंधा कर लो, ठीक है, काम करोगे, वर्क करोगे तो अर्निंग होगी तभी तो आप कहीं कुछ पे कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए सभी जगह, थैंक यू।